ये जोधपुर निवासी मुनीस अहमद नाम के व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि श्रीराम इंटरनेशनल में उसको किसी रॉयल हिल्टन नाम के क्लब के व्यक्ति द्वारा कॉल करके वहां पे बुलाया गया और वहां कम से कम 7 जनों का स्टाफ था जिन्होंने रॉयल हिल्टन नाम के क्लब की मेंबरशिप दिलवाकर पूरे भारत और विदेशों में 5-star, 3-star होटलों में 7 night 8 days का ऐसा कुछ मेंबरशिप का उन्होंने 10 साल और 20 साल का म्याद का ऐसा कोई प्रलोभन दिया। इस तरह से करने के बाद में उनकी 1,45,000 रुपये की उनकी फीस बताई गई, मगर उनके द्वारा नहीं चाहने पर भी मेंबरशिप के 4,500 रुपये के नाम पर क्रेडिट कार्ड लेकर 1,45,000 रुपये निकाल लिए। बाद में उन लोगों ने उसको साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई पैसे नहीं है और इसके बाद में वो लोग वहां से चले गए। इसके बाद में पुलिस ने पड़ताल करी, पड़ताल करने के बाद ये लोग पाली में एक होटल में ठहरे हुए थे, वहां भी ये मेंबरशिप के नाम पर ये फ्रॉड कर रहे थे। इन लोगों को वापस वहां से पूछताछ की गई या लाया गया। उनके बाद में इन पूछताछ में जो है इसका मास्टरमाइंड आशु कोहली नाम का है, आकाश उर्फ आशु कोहली, उसने ये साल भर पहले रॉयल हिल्टन नाम का एक कृत्रिम नाम से एक क्लब बनाया और क्लब रजिस्टर्ड भी करवाया ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके वास्तव में कंपनी है। और इसके करने के बाद इसने अपना एक कॉलिंग स्टेशन स्टाफ वगैरह वगैरह सेल्स में सारे कुछ रखा और उसके द्वारा इन लोगों को जो कार के डीलर से या कोई भी डाटा वगैरह उस शहरों के डाटा जुटाकर ग्राहकों के और लोगों को फोन करते थे फ्री में 3-4 दिन का, ये साल में एक फ्री का ग्रिप गिफ्ट वाउचर का एक प्रलोभन देते थे। बुलाकर इन लोगों ने लगभग 10 से 20 लाख रुपए का इन लोगों ने अभी भी फिलहाल में ठगी करी है। जो इस बारे में इन लोगों को रिमांड पे लिया गया है, 7 लोग है कुल और 7 लोगों को रिमांड पे लेकर इनसे पूछताछ जारी है और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।